डीसी साहब का मशहूर हूँ, उन्होंने मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। एनी क्लिनिक और एनी हॉस्पिटल व्हेदर इट इज अ प्राइवेट और इट इज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, सो दे आर गोइंग जस्ट लाइक एज एडमिनिस्ट्रेटर, दे थिंक दैट वी आर एडमिनिस्ट्रेटर्स, वी कैन डू एवरीथिंग, वी कैन डू एवरीथिंग। आई थिंक वी कैन जस्ट जज ऑन द वे। अभी मैंने बंटी साहब को देखा था यहाँ रास्ते में, ये इनकी ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी नहीं है, सो फॉर अस यू हैव टू कवर, बट द थिंग इज इट्स माय ड्यूटी। देखते हैं एक हॉस्पिटल की बात करते हैं सोहरा में, कल सीएसएम ने भी सर ये किया, उन्होंने डायरेक्शन दिया कि सोहरा देव एक्चुअल मास्क, दूसरे जो लोग इससे मुंसलिक हैं उन सबके साथ एक मीटिंग की गई है और इसमें सभी का सुना गया है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पूरा इन्फोर्स करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे ट्रेनर्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो खुद इसका हिस्सा बनेंगे। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जब तक पूरी सिविल सोसाइटी में एक एक फर्द अपना फर्ज नहीं समझेगा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना और उसको इन्फोर्स करना, तब तक अकेले किसी का काम नहीं है। और हम इस पेंडेमिक से तभी कामयाब होकर बाहर निकलेंगे जब हम सभी मिलकर इसके खिलाफ जंग छेड़ेंगे, और हमारा जो ट्रेडर कम्युनिटी है उन्होंने हमें अश्योरेंस दी है कि वो पूरा पूरा इसमें कोऑपरेट करेंगे। गाइडलाइंस बड़ी क्लियर है कि परमिशन विदाउट परमिशन और विदाउट गिविंग एन अंडरटेकिंग अबाउट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट शादी नहीं होगी, और इसके बगैर कोई गैदरिंग्स कर रहे हैं, शादी हो या दूसरी गैदरिंग जो है सोशल गैदरिंग्स हैं, कल्चरल गैदरिंग्स हैं, अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा कोई कर रहा है दैट इज़ इलीगल, और उसमें कई बार एक्शन भी किया गया है, और आगे भी अगर कोई विदाउट परमिशन और प्रोटोकॉल जैसे प्रिस्क्राइब्ड है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की गाइडलाइंस में, अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है तो उसमें डेफिनेटली कार्रवाई होगी। जो है एक पर्टिकुलर इलाके के इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को पूरा शहर उसका खामियाजा भुगते और पूरा शहर उसकी सजा काटे, ऐसा नहीं होगा। ये मास्क जो है उनकी कीमतें ऑलरेडी प्रिस्क्राइब होती हैं, अगर किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को या कस्टमर को ये लगता है कि ओवर प्राइसिंग है, वो हमारे नोटिस में लाएंगे और हम उसको रेगुलेट करेंगे।